ओ भाई साहब, क्या लग रहा है यार इरफान। सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम लोग वापस से जाने वाले हैं हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, और आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक मस्त सा फुल्ली ऑटोमेटिक अनलिमिटेड फूड फार्म। तो यस, मैंने ये वाला फार्म बना लिया है, लेकिन यार इसमें हर एक चीज़ मुझे खुद करनी पड़ती है। मतलब क्रॉप सूखने के बाद उन्हें हार्वेस्ट करो, वापस से इनमें सीड्स लगाओ, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आज मैं एक मस्त सा फार्म बनाने वाला हूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा फार्म बनाना चालू करते हैं। और आप भी फटाफट इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। नाउ लेट्स बिगिन। तो हाँ, फार्म चालू करने से पहले मुझे ना वापस एक बार फिर से नेदर में जाना होगा थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ये फोर्ट्रेस के ब्लॉक्स चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो मैं ना पहली बार नेदर से सेफली बाहर आ चुका हूँ, और जो जो सामान मुझे चाहिए था वो मुझे सब मिल चुका है। तो चलो अभी बिल्ड बनाना चालू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप भी सोच रहे हो ना कि ये वाला फार्म बनाने की, तो भाई साहब मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको इसमें बहुत हद से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है। तो आप पहले एक आयरन वाला फार्म बना लीजिए, उसके बाद ये वाला फार्म बनाना। ओके, तो अभी हमारा बिल्ड यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये दो ब्लॉक्स छोड़ेंगे, और उसके बाद ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है ना, इसके ऊपर का, तो यहाँ पर बैठेंगे हमारे हॉपर्स। तो एक मिनट इसे लगा लेते हैं। तो यस, ये वाले ब्लॉक के ऊपर हमारे पूरे के पूरे हॉपर्स बैठने वाले हैं। तो अभी ना हमें इसके ऊपर वाले ब्लॉक से बिल्ड बनाना चालू करना है। ओके, तो टोटली 4 ब्लॉक्स ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने के बाद, ये वाले ब्लॉक को छोड़ के हम 7 ब्लॉक्स बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो 2 हो गए, अभी 3, 4, 5, 6 और 7। और इसके बाद ये वाले ब्लॉक के ऊपर हमारा पानी लगने वाला है। तो सबसे पहले तो इसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। ओके, तो अभी इतना होने के बाद हमें ना यहाँ पर चारों तरफ से 7 ब्लॉक्स एक्सटेंड करना है बाहर की तरफ को। ओके, तो गाइज इस वाले ब्लॉक को मिला के हमें बाहर की तरफ को 7 ब्लॉक्स एक्सटेंड करने हैं। ओके, तो चारों तरफ से ब्लॉक्स एक्सटेंड कर लिए हैं। अभी हमें ना यहाँ पर एक राउंड जैसा एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो उसके लिए हम इसे जिगजैग ब्लॉक्स यहाँ पर लगाएंगे। तो चलो भी फटाफट से ब्लॉक्स यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो सेम हमें चारों साइड करना है। ओके, तो बस अभी अंदर वालों को फिल करना है। तो डन, अभी इतना काम तो हमारा कंप्लीट है। इस मिडल वाले ब्लॉक को हम नहीं बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा पानी आएगा। तो यस, एक पानी का सोर्स ना 4 ब्लॉक्स तक फार्मलैंड देता है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर पानी डालना होगा अभी। ओके, तो चलो अभी मिडल वाले ब्लॉक में पानी डालते हैं, और इसके ऊपर एक कंपोस्टर लगेगा। तो चलो अभी फटाफट से यहाँ पर एक कंपोस्टर लगाते हैं, और इसके ऊपर मैं वो श्रूम लाइट्स लगाने वाला हूँ जो कि मैं लाया था नेदर से। और अभी यहाँ पर हम इसके चारों तरफ से ट्रैप डोर्स लगाएंगे। ओके, तो वो जो सामने वाला ब्लॉक बच रहा था वो हमने हटा लिया है, और अभी जहाँ जहाँ ऐसे ये कॉर्नर है ना, वहाँ पर हम स्टेयर प्लेस करेंगे चारों तरफ। और अभी इनके बगल में से ट्रैप डोर्स लगा के इन्हें बंद कर देंगे, क्योंकि इन स्टेयर्स में ना अभी पानी आने वाला है। ओके डन, अभी ना ये श्रूम लाइट्स लगाते हैं। ओके, तो चलो अभी यहाँ पर फार्मलैंड बनाना चालू करते हैं। ओके, तो फार्मलैंड कंप्लीट है, अभी ना इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। ओके डन, तो इतना काम हमारा कंप्लीट है। अभी ना इसके साइड की बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर ग्लास।
तो मैं बाउंड्री वॉल बना रहा हूँ 3 ब्लॉक्स हाइट की। तो चलो फटाफट से चारों के चारों तरफ ये बाउंड्री वॉल कंप्लीट करते हैं। और 3 ब्लॉक्स के हाइट के बाद ये 4th वाले ब्लॉक पर, यहाँ पर हमारा एक और फ्लोर बनने वाला है। ओके डन। तो फर्स्ट फ्लोर हमारा पूरा का पूरा बन के रेडी है, बस इसमें कमी है तो सीड्स लगाने की। और अभी इसके ऊपर आप जितने चाहे उतने फ्लोर्स बना सकते हो, सेम प्रोसीजर है, आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो ऊपर के साइड को। तो चलो अभी फटाफट से मैं ऊपर एक और फ्लोर बनाऊंगा और आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी ही देर में। ओके तो यार अभी बारी आती है हॉपर का कनेक्शन करने की। तो यार इसमें हद से ज़्यादा हॉपर्स लगने वाले हैं, जहाँ जहाँ डर्ट के ब्लॉक्स हैं ना वहाँ पर पूरा हॉपर से हमें नीचे फिल करना होगा। और ये कनेक्शन आप ध्यान से देखना, क्योंकि ज़रा भी कनेक्शन इधर उधर हुआ ना तो आपका सामान आपके चेस्ट में आके नहीं पड़ेगा। तो यस इन्हें फटाफट से फिल करते हैं। ओके तो ये लाइन अभी कंप्लीट है और बाकी के जितने भी हॉपर्स हैं ना वो हमें कुछ ऐसे इन सब को कनेक्ट करना है इस लाइन के साथ। ओके डन। तो सारा कनेक्शन कंप्लीट है और जितने फ्लोर्स हमने बनाए हैं ना ऐसे ही सेम कनेक्शन हमें सारे के सारे फ्लोर्स में करना होगा। ओके तो ऊपर वाली साइड भी मैंने हॉपर का कनेक्शन पूरा का पूरा कर लिया है और अभी ना यहाँ पर हमारा होगा पूरा का पूरा स्टोरेज एरिया। तो चलो अभी फटाफट से मैं स्टोरेज एरिया बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये नेदर ब्रिक। तो अभी फटाफट से ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हमारा बिल्ड ना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बन के रेडी है। बस आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ। चलो 3, 2, 1। भाई साहब क्या लग रहा है यार ये बिल्ड, मतलब यार ये एकदम ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने इसे गंदे से डर्ट क्यों लगा दिए हैं, क्योंकि यार अभी आता है इसमें बड़ा सबसे मेन काम, जो कि है इसमें 2 विलेजरों को छोड़ना। तो मुझे ना मेरे आयरन फार्म में से 2 विलेजरों को काटना है और अभी बस इन्हें यहाँ पर छोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले ना मुझे रेल और थोड़ी सी माइनकार्ट बनानी है। तो चलो अभी फटाफट से यहाँ पर 2 विलेजरों को डालते हैं अंदर। ओके तो सबसे पहले ना मुझे 2 विलेजरों को लेकर जाके उनसे ब्रीडिंग करवानी है, क्योंकि यार मुझे अभी नीचे भी 2 और विलेजर्स डालने होंगे। तो चलो अभी फटाफट से इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं इधर। ओके तो बेड मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अभी बस इन्हें ना ब्रेड देते हैं। तो चलो अभी फटाफट से यहाँ पर ब्रेड फेंकते हैं और इन्होंने ले लिया। ओके तो चलो अभी फटाफट से तुम्हारा काम धंधा करो। और लो भाई साहब बेड के ऊपर भी तारे चमक गए, इसका मतलब वो चालू करें। अभी करो भाई फटाफट से। ओके ओके मैं नहीं दुखूंगा, सॉरी, आप फटाफट से करो। ओके तो गाइस हम यहाँ पर छुप जाते हैं और ओके सॉरी, अभी इस बार नहीं दुखूंगा पक्का, आप फटाफट से करो भाई। ओके दो नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए हैं और अभी बस मुझे इन 2 बड़े विलेजरों का ना जाके वहाँ पर फार्म में डालना है। ओके तो भाई यार इस बंदे ने ना पहले ही जॉब ले ली अपनी, मतलब यार ये बना ही है फार्मिंग करने के लिए हमारे इस फार्म में। तो चलो अभी फटाफट से इस बंदे को यहाँ पर छोड़ते हैं और मुझे उस एक और विलेजर को लाकर ऊपर छोड़ना है। और हाँ भाई सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ अंदर की दिखाई नहीं, तो यह है हमारा अंदर का पूरा स्टोरेज एरिया। भाई साहब ये मतलब हम चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा चेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 2 लार्ज चेस्ट लगाए। और यह है हमारा बोन मिल बनाने वाला मशीन। तो जैसे हम इस चेस्ट में सीड डालेंगे वो बोन मिल होके हमारा नीचे वाले चेस्ट में आएगा और जितना भी हमारा ऊपर का वीट जो सारा का सारा सामान है वो नीचे आएगा। और भाई साहब ये लो मेरे जो सीड मैंने अभी उस विलेजर को फेंके थे ना वो आकर मेरे इस चेस्ट में जमा हो गए। तो चलो अभी फटाफट से उस एक और विलेजर को लाकर ऊपर छोड़ते हैं। ऑल राइट गाइज, तो फार्म पूरा का पूरा बन के रेडी है और भाई साहब ये है हमारा फार्म का फाइनल लुक। तो यार इसमें कुछ बदला तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अंदर पूरे के पूरे सीड्स लगा के ऊपर 2 विलेजरों को छोड़ दिया है और भाई साहब वो अपना मस्त सा काम कर रहे हैं और जितना भी वीट है वो आके हमारा नीचे चेस्ट में कलेक्ट हो रहा है। ओके तो चले गए आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। तो यस प्लीज़ आप इस वीडियो को 1 लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब याद से करके जाना। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। अभी ये गोलम बाहर क्यों स्पॉन हो रहे हैं यार।